हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस दरोगा 2020 एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसका पहले से ऑलरेडी प्री हो चुका है और बहुत से कैंडिडेट पास हुए हैं, बहुत से फेल हुए। लेकिन दोस्तों, आप जो नेक्स्ट होने वाला है वो है आपका फेज सेकेंड, और जिसमें होगा आपका मेंस एग्जाम। आप दोस्तों, मेंस एग्जाम होगा जिसमें आपकी हिंदी भी आती है, आपका जीके पोर्शन भी आता है। फ्रेंड्स, मेरे पास लगातार कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप हिंदी स्टार्ट कराइए, हम लोगों की हिंदी कवर कराइए एमसीक्यू के रूम में। तो दोस्तों, आप लोगों को इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इसके साथ साथ बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो कब तक कंडक्ट होगा। यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट तिथि तो नहीं बट संभावित बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, और इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं हर एक चीज को। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले मैंने आपके लिए है डाउट नंबर वन, या यूं कहें कि सवाल नंबर वन, जो कि कैंडिडेट द्वारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों द्वारा पूछा किया जा रहा है कि सर एग्जाम कब होगा या पेपर कब होगा, एग्जाम डेट क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैसे कि अभी तक हमको जो अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, चाहे फिर वो मीडिया के थ्रू हुई हो या फिर आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम कंडक्ट होना है उसकी डेट संभावित बताई जा रही है कि आपका अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी क्या कोरोना काल चल रहा है तो उसमें निश्चित अभी फिक्स नहीं किया है कि आपका इस तारीख को एग्जाम होगा ही होगा, बट एक संभावित तिथि है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आपका अगस्त के समथिंग समथिंग एग्जाम ले लिया जाएगा। आप दोस्तों, जो कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं कि अगस्त में भी एग्जाम नहीं होगा उसके बाद होगा, तो वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। कैसा कि दोस्तों, यदि बाद में भी होगा बट आपको पढ़ के ही निकालना पड़ेगा पेपर। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो फैंस, क्यों ना आप कल का इंतजार करते हुए आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं। तो टाइम को खराब ना करते हुए यही सोचते हुए कि मेरा एग्जाम आपके अगस्त मंथ में कंडक्ट होगा, तो आप उसी पर्पज से अभी तैयारी स्टार्ट करें। तो चलिए फैंस, आपका सेकेंड डाउट देखते हैं कि आखिरकार कौन सा है। अब दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बात करते हैं आपका सेकंड डाउट क्या, कि सर बुक बताइए तैयारी के लिए, आखिरकार हम कौन सी बुक से तैयारी करें जिससे कि हमारा बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस के एग्जाम क्रैक हो जाए। चूंकि मेरे पास ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसा कोई स्पेशल बुक नहीं रहता कि आप एक ही बुक को पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर लें। क्योंकि दोस्तों, आजकल एग्जाम इतने टफ होते जा रहे हैं कि किसी एक बुक से फंसना इम्पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, तो यहाँ पर आपका हिंदी का जो मटेरियल है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग की सहूलियत के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस आएंगी कंटिन्यू। अब क्लासेस कैसे आएंगी, हम कैसे क्लासेस कंडक्ट करेंगे, आखिरकार आपको वो बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपके जो बिहार दरोगा हो, फिर आपका बिहार पुलिस एग्जाम हो, उसमें भी हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके अदर स्टेट के एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, एमपीएसआई, इन सभी में हिंदी बाकायदा पूछी जाती है, और सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, कहीं का भी हो, हर कहीं हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों को देखते हुए हम यहाँ पे लाग रहे हैं अभी आपकी हिंदी की क्लासेस, जिसमें हम किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, जरा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और मैं बताने वाला हूं कि हमारी पढ़ाई का तैयारी का तरीका क्या रहेगा, आखिर कौन सा वे रहेगा जो आखिर आपको सक्सेस बनाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होगा, यदि आप रट्टू तोता बन के तैयारी करेंगे, किसी भी चीज को बगैर समझे हुए उसको तैयार करेंगे, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती, और हो सकता है आपको उसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाए और आपने रटा है तो आप ना कर पाए। इसलिए किसी भी चीज को याद करने से पहले उसको समझना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी घुमा के पूछ ले, आपको तो करना है सही। अब दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक हुआ स्टार्ट किया वर्णमाला, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वर्णमाला को कुछ समझेंगे। अब आप लोग टाइम डिसाइड करें कि आपकी क्लास 30 मिनट की रहेगी या 45 मिनट की रहेगी, जितने टाइम की आप क्लास चाहेंगे उतने टाइम की आपकी क्लास रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा टॉपिक है क्या, वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला एक दिन में तो कंप्लीट होने से रहा, होगा दो तीन दिन में। तो दोस्तों, जितना भी हम वर्णमाला पढ़ेंगे
जैसे भी हम उसको पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट, क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई, कंटेंट ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। शॉर्ट ट्रैक जितने से जितना पॉसिबल होगा वो करवाएंगे और आपको बेहद इजी और सरल लैंग्वेज में हर एक चीज बताई जाएगी। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर वर्णमाला पढ़ा, वर्णमाला के कुछ हमने चैप्टर लिए और उनको समझा। अब दोस्तों इसी वीडियो में हम करेंगे क्या, इस चीज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसके हम MCQ लगाएंगे। यदि हमने वर्णमाला पढ़ा तो वर्णमाला की भी हम कम से कम अधिक से अधिक 10 और कम से कम 5 MCQ हर एक टेस्ट में बिल्कुल शामिल करेंगे। जैसे कि आज हमारी जो वीडियो है इसमें हमने वर्णमाला पढ़ा, तो दोस्तों हम इसमें करीबन 5 से 10 आपको प्रोवाइड कराएंगे MCQ क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन का फ्रेम कुछ ऐसा रहेगा, आपसे यहाँ पर 4 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको करेक्ट आंसर देना रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो आपने पढ़ा है उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इससे होगा क्या सर, तो दोस्तों इससे होगा जे जो आप पढ़ रहे हो उसी को आप प्रैक्टिकल के रूम में, मतलब कि एग्जाम के रूम में देख रहे हो, मतलब उसके MCQ लगा रहे हो, तो वो चीज आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी, आप भूलने की कोशिश करेंगे बट भूल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये तो हुआ कि हम पढ़ेंगे और उसी के क्वेश्चन लगाएंगे। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक और प्लानिंग है जो कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई के लिए मजबूर करेगी, आपके यहाँ पर पढ़ाई में ज्यादा रुचि पैदा करेगी। अब उसका नाम क्या है, तो दोस्तों वीकली टेस्ट, मतलब कि हमने 7 दिन जो कुछ पढ़ा है दोस्तों उसका आप बाकायदा वीकली टेस्ट देंगे, और टेस्ट से मतलब जैसा कि आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वैसा टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बाकायदा आपको ऑप्शन देखेंगे, आपको टिक करना होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपके एवरी वीक को ही कंडक्ट होगा टेस्ट, जो आपने पढ़ा उसी के अंदर से क्वेश्चन रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे अलग, जिससे कि एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो। अब दोस्तों वो टेस्ट ऐसा होगा, आप लोगों को टेस्ट में मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा, आप लोगों का वहां पे कुछ चार्जेस रखा जाएगा, चार्जेस इसलिए ताकि आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना जागृत हो, जिससे कि आपको इनाम जीतने की एक ललक मिले, अपने एग्जाम के प्रति आप तैयारी और अच्छे से करेंगे। दोस्तों उसमें हम टॉप 10 विनर फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे चल रही थी क्विज, पैसा जीतो क्विज करके वो हमारा सेक्शन रहेगा, आपने जो वीक में पढ़ा हम उसी का टेस्ट लेंगे और उसी में से 10 टॉप 10 आपके जो विनर होंगे उनको फाइंड करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर हर एक चीज बताई है तो आप लोग आई थिंक सपोर्ट करेंगे, और आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा फिर आप जिस भी सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे तो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो आपका, फिर आप इंग्लिश या फिर आप जो भी सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे उसका टीचर अवेलेबल है, बट आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर सब कुछ निर्भर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि लग जाइए आपके एग्जाम की तैयारी में, चूंकि आपके पास है टाइम बेहद कम। जी हाँ दोस्तों बहुत ज्यादा कम टाइम है, यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए मिनट मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो आप ऐसे ही लगे रहे ना, आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगा और आपको कुछ का कुछ याद नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप पढ़ते नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आता पढ़े तो क्या पढ़े। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक फ्रेंड के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।